खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई जिले के एक गांव में तब सनसनी फैल गई जब घर में सो रहे युवक की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। दरअसल परिजनों के मुताबिक हत्या के पीछे का कारण अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है। परिजनों ने गांव की ही एक महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ महीने पहले महिला से विवाद हुआ था, जिसके बाद रंजिशन इस महिला ने बीती रात घर में घुसकर युवक की हत्या कर डाली और मौके से फरार हो निकली। मृतक और महिला के बीच चाची और भतीजे का रिश्ता था। मामला पुलिस में है और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मामला हरदोई जिले के टडियावा थाना क्षेत्र के अयारी गांव का है, जहां के निवासी 24 वर्षीय रामकिशोर की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक का गांव की ही एक विधवा महिला, जो कि रिश्ते में मृतक की चाची लगती है, से उसका अवैध संबंध था और विगत कुछ दिनों पहले मृतक और महिला के बीच किन्हीं कारणवश विवाद हुआ था और रामकिशोर ने महिला की पिटाई भी की थी, जिसके बाद महिला रंजिश मानने लगी थी और कल रात मौका पाकर युवक के घर में छत के रास्ते से घुसकर उसने इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे डाला। सूत्रों की माने तो महिला इस वारदात में अकेली नहीं थी, उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे। आरोपियों ने पहले तो युवक पर किसी धारदार हथियार से वार किया, बाद में उसका गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हालांकि परिजनों की तहरीर पर महिला राजरानी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना की विधिवत जानकारी से परिजन और एएसपी पश्चिम ने अवगत कराया। हमारे भतीजे के एक घर में सो रहा था और इस औरत से दो साल से संबंध चल रहा था। इसने सोते हुए गेट से आ कर के और उसके गला दबाकर हत्या कर दी और बाहर जब लोग जान गए तो भाग गई। ये दोनों रिश्ते में चाची इसकी लगती थी। चाची ने भतीजे की गला दबाकर हत्या की। राजी को पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना टडियावा के अंतर्गत अयारी गांव में एक शव की सूचना प्राप्त हुई थी, घर के अंदर किसी व्यक्ति की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और उस पर पोस्टमार्टम आदि की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग से ये बातें सामने आ रही हैं जानकारी करने पर कि इस व्यक्ति का कुछ अवैध संबंध था। अवैध संबंधों के अंतर्गत इसकी हत्या कार्य की गई, विशेष निवेशा के अंतर्गत जो भी इसे चाहिए पैसे मारा गया। कॉज ऑफ डेथ सर में चोट आना पाया जा रहा है।